भी रक्षाबंधन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कुकर कर रहा है, नाक चढ़ा कर मुंह बढ़ा रहा है। तो भाई अभी हुए हैं 12:50 और हम घर पहुंचने वाले हैं, 2 मिनट रहती हैं। तो मम्मी का फोन आया, कितने बजे तक आओगे? मैं कहा हम तो 2 बजे तक आएंगे। तो उस चक्कर में मैं कहा और हमें थोड़ा 2 ही मिनट लगेंगे घर पहुंचने में। मैं कहा चलो मैं आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ, क्योंकि जब स्टार्ट किया था तो मैं पीछे बैठी थी, आगे एक भैया बैठे थे, तो उस वजह से फिर मैं बोल नहीं पाई। और बहुत जल्दी हमारा अपना आपका अपना बुटीक स्टार्ट होने जा रहा है, तो अब आप लोगों को सूट के साथ साथ वो स्टिच होके भी मिला करेगा एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी आप चाहेंगे कि 2 दिन में हमें सूट सिलके चाहिए, तो बिल्कुल आपको सूट सिलके ही पहुंचेगा। और जैसा आप चाहोगे, जैसा आप बोलोगे वैसा ही। तो आप लोग अपना साथ सपोर्ट बनाए रखिएगा, और आपके सपोर्ट से ही, दमादेव के सपोर्ट से ही मैं इस काबिल हुई कि मैं अपना आपका अपना बुटीक जो है वो स्टार्ट कर सकूं। तो उसकी तैयारियां बोरी पूरी जोरों शोरों पे हैं, वो चल रही हैं, और सारी चीज़ें प्लान हो चुकी है कब क्या होना है। बस उसी की मतलब एक बेसिक होता है कि प्लानिंग करना, उसके बाद उस प्लानिंग पे वर्क करना। तो अभी उस प्लानिंग पे वर्क चल रहा है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, जो मास्टर जी होंगे वो दी बेस्ट, जो दिल्ली के दी बेस्ट में आते हैं वो वाले आ चुके हैं। और बस आप लोग जैसी बोलोगे, इंडियन वेस्टर्न कैसी भी ड्रेस, वही वाली रेडी मिलेगी। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ हाँ सपोर्ट करिएगा। पत्ता तोड़े हैं, काम दे किसकी खिड़की खोल दिया। भगवान इनको मैं मारूं कितने, खाता मैं तेरे ऐसे उल्टी उल्टी हरकत है। तोड़ लिया मैंने, नीचे गिर जाता तो दू नीचे गिर पाया। ऐसे नहीं करते बेटू, दे देगी ना। पारा है, मैंने पारा है। पारा क्या होता है, तोड़ा होता है। तो भैया अभी घर चलते हैं, घर चल के दिखाऊंगी मम्मी का रिएक्शन। तो बड़ी बुंडी है, इतनी नुके थी, 2 बजे थी आऊंगी, तू इतनी जल्दी आ ली है, तो चलो। और इतना ये पूरे उसमें आ गया, देखो कौन क्यों कर रहा है। ओ ले आ तो भाई, कौन ही आती के जोड़ के नमस्ते करा जोरा। और भाई चल जीता रहे, कोई बात ना कोई बात ना, वो जाग रहे। पापा नमस्ते, मम्मी नमस्ते। लड्डू आ गया। शिकायत कर रहा था? नहीं, कर रहा हमने गिफ्ट तो लिया ही नहीं। तो यहाँ पे मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को एक अच्छी सी गुड न्यूज़ देती हूँ कि अभी जो है दिवाली के लिए हमें बेडशीट्स वगैरह और होम डेकोर के बहुत सारे आइटम खरीदने होंगे आपस में गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए। तो उसके लिए आप मेरा लिंक चेकआउट कर सकते हो, मेरा लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वहाँ पर 75% तक ऑफ मिलेगा और अच्छा खासा आप जो है प्रॉफिट कमा सकते हो, प्रॉफिट अपना बचा सकते हो, सेविंग कर सकते हो, उसको कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने लिए भी और आपस में गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी जो है वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी है, क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइसेस भी जो है अदर वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग बहुत ही मिनिमम होते हैं। तो इस तरीके से आप मेरा लिंक चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कुर्ती, प्लाजो, जेंट्स, किड्स की, होम डेकोर, हर तरीके की वैरायटी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मेरे को क्या दोगे? ड्रेस दे देगा। एक मोटर लेना, भगवान सद्बुद्धि देवे,
इसकी नौकरी लगावे है ना रिकॉर्डिंग में होनी चाहिए इतना बढ़िया है नौकरी लगावे तो भगवान तीन दिन तक ना ये साफ सुथरा बना दे इन्हें नाना सका दे पूरा खाते पूरा ना हल्का भी बोल चल इधर कर दे अमने वो तो है वो थोड़ा मैं तो नहीं मैं को तो बंद दो बोला कर लियो अरे किस गया सारी बीमारी निकल जाएंगी आज बच्चा ने डबल चुप अब ने आप भी हो आ गया क्या वो उन्होंने कहा था मैं भी हूँ अच्छा आ गया ये वाक खोल रहा है देख क्यों कर क्यों कर रहा है ये मुंह दापट के सोन है ना मैं बंद हूँ भाभी को तो दो बल बेटा को गिफ्ट क्या दोगे आप कुछ, होता है। कुछ भी नहीं ये वाला चॉकलेट का पैकेट दे दो एक लो माजी अरे दे दो ना दांत खराब फिर दे रही नहीं हो है दिखाना कैसी है भाभी के अच्छी है देखी चल बाहर खड़ा हो ले बहुत देर हो रही थे ना खड़ा हो ले चल तो भाई अभी चलते एक बार मार्केट जय मम्मी जा है हाँ ये भाई 10 मिनट में किसे रंग का है किसे रंग का है वो आप दे देगा मेरी बात करा दी इस चटोरे देख ये कितनी महकारी है तो भाई यहाँ पे हम निकले थे मार्केट के लिए और मेरे मायके के पास पड़ती है कमला नगर मार्केट जो कि दिल्ली में है दिल्ली वालों को तो अच्छे से पता है बहुत बड़ी मार्केट है तो वहीं पे मेरे को एक बार उषा के शोरूम जाना था या जैक के तो हम वही ट्राई कर रहे थे क्योंकि बुटीक के लिए जब मास्टर जी फाइनल हो चुके हैं तो अब आती है मशीनों की बारी क्योंकि मशीनें जो है वो मास्टर जी के अकॉर्डिंग ही परचेज़ की जाती हैं तो फिर वही कि एक बार ट्राई करते हैं देखते हैं यहाँ पे कौन सी है कैसी है और क्या रेट्स में है सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए तो हम निकल के हमने देखी पूछी और फाइनल तो वही करेंगे
तो फिर हमने यही कि भाई उनको लेके आएंगे और वही डिसाइड करेंगे कि कौन सी मशीन लेनी, क्योंकि मशीनों में बहुत वैरायटी है कौन सी मशीन क्या काम करती है, कि एक मशीन सारे सारे काम भी कर देती है, तो उसी के अकॉर्डिंग। और आप लोग बुटीक का नाम ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कुछ और नया क्रिएटिव। अच्छा नहीं हमारे पास मत आ, चला जा वापस, हमें हम नाम नहीं लेके जा रहे आपको। ना वाले हो गया रूस से तो पूरा आयो भाग जा, हमने हमें आपको नहीं लेके जाएंगे। वहाँ जी का चमचा रज्जू रहा है जुलो। आजा भाभी के हमारी गाड़ी में आना नहीं है, हम जा रहे हैं, समझ में आ गई। बाय करा लेना बेइज्जती लगाए बिना। चलो मोड़ ले दे मेरा कैमरा, जूली के नजर है कित बैठी है बुढ़िया। बुढ़िया पर लगा भैया, हमारी जूली है रिया है 6 साल की, दया बैठी मुंह फेर के आवाज से गई भी ने जूली। ये बैरी भी है रांधी भी है बाबू, गला इधर दिख रही है, गला इधर लगा रही है, गला इधर दिख रही है ना कौन बिरने कीचे बाबी के। तो भाई आप सब सोचोगे कि ये कीचे हैं ये, तो भाई सब्जी ले आना, सब्जी खत्म हो गया सब्जी ले आना। आपको लेके कौन जा रहा है बागो यहाँ से? अरे सब्जी ले आओ। ठीक है ला रहे हैं, चलो मत रो मत, अच्छा ले चलेंगे। लो दे दो इसका। ले 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 यो तो तेरे लड़ना दुखी हो रहा है और क्या है, दुखी ना हो रही हो। आजा जल्दी आ जल्दी आ जा, माँ जी का फोन आ, माँ जी भेज जल्दी आ। अरे मैंने बता दे दियो माँ जी के रोटड़ा। चुप हो जा चुप, मैं मरूंगी माँ जी मरेगी। हाँ चुप हो जा बिल्कुल। तो ये भी जा रहे हैं मामा के, मामा के कहीं फोन आ लिए, आओगे आओगे आओगे। तो ये मैं उन तो नहीं बता ली कि हम आवे हैं और हम चल पड़े। कहा जा रहा है भाभी के है मेरा बेटा? अच्छा सॉरी इधर देख रूस से मत इधर आ। ये मेरा तो कालू है, ये जुली है, ये जुली टूटी काट रहे हैं, ये जुली है, ये मेरा कालू है, ये नहीं मम्मी पे आ गई, ये जुली है मम्मी, ये जुली है यू बैठे आ रहे जुली है ना भाभी के हैं जुली कैसे जुली है ये क्या कर रही हो है ना छोटी काला चीज़ कर रहे होगे तुम ना ना चले भाभी कबे हैं अरे चले क्या तो अभी हम जा रहे हैं मामा के घर। और बहुत सारे लोग जो नए जुड़े उनको नहीं पता होगा कि मामा घर कहाँ है, तो मेरे मामा है सोनीपत के पास, माछरी गांव है बादशाहपुर माछरी बड़वासनी के पास, तो वहाँ पे हैं मेरे मामा। और मैं भी एक ही हूँ, मतलब कई बहनें पूछती हैं कि आप कितने भाई बहन हो, तो दो भाई हैं और मैं एक बहन हूँ, और मेरी मम्मी भी एक ही है, चार भाइयों में मेरी मम्मी भी एक ही है और मैं भी एक ही हूँ। तो इस वजह से फिर मम्मी का भी ये हो जाता है कि या तो मामा आ जाते हैं या मम्मी चली जाती है। तब की बार मामा और काना नहीं हो पाया था, तो फिर मम्मी का ये था कि भई चलो, क्योंकि नानी के जाने के बाद ये पहली ही राखी है, तो इस वजह से कि भई चलो चलते हैं कोई नहीं, बस एकदम से प्लान था कि नहीं चल ही पड़ते हैं। मम्मी का तो फिर भी ये हो गया था कि ना रहने दे, मौसम भी ख़राब है, जाम भी मिलेगा। फिर मैं कहा नहीं अब तो चलो। और इस मामले में विनय भी बहुत सपोर्टिव हैं, कई मतलब एक बार बोल देती हूँ कि वहाँ चलना है तो फिर वो मना नहीं करते हैं कि हाँ चल।
तो इस वजह से, तो बस अभी हम पहुंचने ही वाले थे। और जो लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मेरी जो पहली वायरल वीडियो थी हरियाणवी ब्याह, वो यहीं से थी, यहीं पे था, मामा की लड़की की शादी थी और वहीं से मैं आप लोगों के साथ जुड़ी थी और आप मुझसे जुड़े थे और आप लोगों का इतना साथ और सपोर्ट मिला था। तो ये सामने जो आप प्लॉट देख रहे हो ये मामा का, ये रेंट पे है, इसमें रूम्स निकाल के और वो रेंट पे दे रखे हैं और आगे जो है वो घर है। जो कि पानी यहाँ भरना जा रहा है बिल्लू, चले पीछे ये बिल्लू का पानी यहाँ भरा है पक्षी दे देखिए जैसे उसको कर हवा बढ़ता हो भाई भीतर जा रही हो। हां भीतर जा रही है, ये लो तो पानी हवा बढ़ता हो इन्हें हो जाए। क्या कर रहा है मामा तू, क्या कर रहा है और गलत कर रहा है तू वाला मैं बिरले की कर रहा है नींद मटन हो रहा है तू क्यों पैसे पड़ रहे हो, इन्हें मिठाई में कर रही है मम्मी नमस्ते नमस्ते भाई नमस्ते है कड़ू बड़ा हो गया तू कही है पंगे है छोड़ दे चल मामा नमस्ते। तो भाई यहाँ पे कुछ तो हम आने में ही लेट हो चुके थे और अंधेरा हो जाता उससे पहले मैं कमरे में बाहर बैठ के राखी बांध दी जल्दी से। तो हम पहुँचे थे 6 बजे के अराउंड, तो फिर फटाफट से चाय पी और फिर मम्मी ने राखी बांध दी थी। यहाँ बीच में एक क्लिप जिसमें राखी बांधी थी वो पता नहीं कहाँ मिस हो गई या उस टाइम पे कैमरा हैंग था बनी नहीं, तो वो सब। और दो मामा जो है बैठ चुके हैं, एक है नहीं और एक अभी तक आए नहीं थे। तो बस यही आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ और भगवान की दया दुआ है मामा और की तरफ से, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत लकी हैं, बहुत अच्छे हैं। तो बस यहाँ पे जो है मम्मी ने राखी बांध दी थी और फिर के वही तो भी बांध दे और हमारे यहाँ ना बांधते हैं, मैंने पापा को बांध दी। तो आप लोग पूछोगे कि पापा को क्यों बांध दी, तो बचपन से ही बांधते हैं, शुरू से ही बांधते हैं। मैंने मम्मी को भी बांध दी थी, वो क्लिप नहीं बना पाए। पापा को, मम्मी को, दादा दादी, मतलब घर में सबको बांध देते हैं। अगर बुआ वगैरह आती हैं तब ये हो जाता है कि बुआ ने बांध दी है, बट अब की बार मेरी कोई सी बुआ भी नहीं आ पाई थी क्योंकि बुआ के ससुर जो हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो उस वजह से बुआ भी नहीं आ पाए थे अब की बार। तो बस यहाँ पे जो वो राखी बांध रहे हैं और ऐसे ही हंसी मजाक जो है वो चल रहा था कि ऐसे कर लो वैसे कर लो और बस हम ऐसे ही छेड़ते रहते हैं। तो जलेबी खिला दी क्योंकि हमें रास्ते में जलेबी जा जो है वो मिली। ची ऐसी तोड़ के नू चिड़िया की तरह मुंह बाले फिर आओगी बत्ती मगर
हाँ न्यू थोड़ी है इतनी चालू थोड़ी है या नहीं न्यू तो अलग अलग खोपचा बढ़ा कर रखती होगी है। तो अभी टाइम हो चुका है 7:15 का, अरे इधर बंदी हुई है भैंस, और अभी चलते हैं ऊपर खाना खाएंगे, अंधेरा हो गया है फिर हमें जाना भी है। भाई का देसी खाना, रोटी, लहसुन हरी मिर्च की चटनी जो कि मेरी फेवरेट है, और आलू शिमला मिर्च की सब्जी थी, शिमला मिर्च मैंने निकाल दी वो मैंने पसंद नहीं है दूध, और हरी मिर्चियाँ मैं तोड़ के लाई हूँ पिंडे पता है। तो आ जाओ भाई तुम भी, मम्मी के हाथ की गर्मा गर्म रोटी, रिया डबटे सेवा चल रही है, देख कितने सौदे धरे बैठे है मोजे। तो भाई खाना वाना खाने के बाद यहाँ हो चुके थे 9:45 के अराउंड, मतलब कि 8:45-50 के अराउंड हो चुका था, और बस चलने की तैयारी। मामा मम्मी ने तो बहुत बोला कि रुक जाओ इतनी रात हो चुकी है मत जाओ, बट फिर सुबह विनय को स्कूल जाना था, पापा को भी ऑफिस जाना था, तो उस वजह से मम्मी का भी नहीं रुकना था और हमारा भी नहीं था, तो मेरे घर पर काम भी चला हुआ है, तो उस वजह से मैंने कहा नहीं हम देर सवेर पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, और त्यौहार के दिन तो लेट तक चलते हैं सब। तो भाविक ने खाना नहीं खाया था, तो भाविक का खाना जो है मामी ने पैक कर दिया था, और बस अभी यहाँ से निकलने की तैयारियों में ही चल रहे हैं, बस ये कर लो वो कर लो, ये ले लिया वो ले लिया, कुछ भूले तो नहीं हो, है ना, चलते टाइम यही बातें होती हैं, और फिर भी हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, बट अब की बार हम कुछ नहीं भूले थे, वरना हमें रास्ते में याद आता है आके कि अरे वो रह गया, ऐसे करना था वो नहीं हो पाया। तो बस यही मम्मी और मामी की बातें चल रही हैं, तो बस जो भी सामान वामान था, और ये हमारी एक और मम्मी आ चुकी हैं, तो सारे मिल के, और फिर अभी जो है वो टाटा बाय बाय करने पे कि हाँ चलो रुकना तो तुम्हें है नहीं, फिर यही सारी बातें हो जाती हैं, और मामी की तरफ से पैसे उनका भैया तो मौज होगी। तो बस अभी चलते हैं, और मम्मी फिर मैंने मम्मी को आगे नहीं भेजा था इतनी रात के टाइम पे, क्योंकि हम जाते तब भी ज़्यादा टाइम लग जाता, 1.5-2 घंटा हम दिल्ली पहुँचे उतने में ही हमें 9:45 के अराउंड हो चुका था, तो फिर आगे ना तो हम गए ना मम्मी को हमने भेजा, तो हमने मम्मी को घर पे ही रोक लिया था मेरे पास ही, और फिर यहाँ से सुबह जो है मम्मी की कैब करके फिर घर मम्मी चली गई थी, तो इस तरीके से जो है हमने कर लिया था। और भाविक आते ही सो गया था, इस वजह से आपको भाविक वीडियो में कहीं नहीं दिखा, भाविक गाड़ी में ही सो गया था, उतारा फिर सोता रहा, और उठा के ही ले जाना पड़ा, वो सोता ही रहा। तो बस यहाँ पे ऐसे ही हंसी मजाक चल रहे थे एक दूसरे पे। चलिए माची को रख ला, कितना मुंडा देखा है, उधार दे नहीं चलोगे पीछे, देवर ही पीछे बैठी है ये माची, अरे ये आपके घर चल रही है, अपने घर लेके चले, अपने घर लेके जाए, बोलता नहीं, अपने घर लेके चले या माँ जी के घर है, किसके घर है अपने, बोलता नहीं है कभी, नींद में है ना, किसके घर चला है, सारा लगा ले, चलो ठीक है मामी, ओके कर लिया, मैंने टाइम कम लागत था कर लिया करो, आम करे अगर आम ना लागत है आम, हां ओके ठीक है चलो चलो, मेरा किसना बट्टिया बता, हां ठीक है दवाई ले ली ना, अपने तो ले लूं और कितनी भी दे हो ना, ले आऊंगी 15 दिन। तो भाई यहाँ पे हो चुकी है सुबह, और सुबह के बज चुके हैं 7:30-8 का ऐसा ही टाइम हो चुका था, और मम्मी को भी जल्दी घर पहुँचना था, क्योंकि फिर पापा को भी टिफ़िन वगैरह बनाना, पापा भी ऑफिस जाएंगे, तो उसी वजह से विनय स्कूल जा चुके हैं इस टाइम पे, क्योंकि विनय तो 7:30 निकल जाते हैं, 7:20 भी निकल जाते हैं, बट 7:30 तो उनका लास्ट होता है कि हाँ वो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने कैब कर दी थी, और कैब वाला जो है थोड़ी सी दूर पे खड़ा हो गया था, तो फिर उनको मैंने बोला कि भैया थोड़ा और आगे आओ, तो बस मम्मी को बिठा देंगे कैब में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो प्लीज़ आपके एक लाइक से हमारा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारे बहुत हिम्मत आती है कि हाँ आगे वीडियो बना सकें, शेयर कर सकें। तो आप अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। अभी मम्मी को कर देते हैं बाय बाय और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।